नमस्कार दोस्तों, छोटी छोटी बातें चैनल पे आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुड़ के औषधीय फायदों के बारे में। दोस्तों, आपको यदि सेहत बनाए रखनी है और मीठा खाने का भी शौक है तो ऐसे में आप गुड़ का सेवन कीजिए। काफ़ी रिसर्च के बाद एक्सपर्ट का यह नतीजे पर पहुँचे हैं कि हर व्यक्ति को रोज़ाना गुड़ का सेवन करना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद का मानना है कि गुड़ में मौजूदा तत्व शरीर में मौजूदा एसिड को ख़त्म करते हैं। इसके विपरीत चीनी के सेवन से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। वैद्य की सलाह के अनुसार निरोगी काया और दीर्घ आयु के लिए भोजन के बाद नियमित रूप से 20 ग्राम गुड़ का सेवन करना चाहिए। प्राचीन समय में ही गुड़ को स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है, जबकि चीनी को सफ़ेद जहर माना जाता है। गुड़ खाने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया में सुधार आता है, जबकि चीनी एसिड पैदा करती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। आयुर्वेद में बताया है कि गुड़ के मुकाबले चीनी को पचने में 5 गुना ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो आइए जानते हैं गुड़ के औषधीय फायदों के बारे में। गुड़ हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। वहीं चीनी हड्डियों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि चीनी इतने अधिक तापमान पर बनाई जाती है, जिसके कारण गन्ने के रस में मौजूद फॉस्फोरस ख़त्म हो जाता है। पेशाब संबंधित समस्याओं में फ़ायदेमंद। दोस्तों, गन्ने में मूत्रवर्धक विशेषताएं होती हैं, यही विशेषताएं गुड़ में भी होती हैं। गुड़ पेशाब को उतारने में और उसमें हो रही कठिनाई को कम करने में मदद करता है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि में मदद नहीं कर सकता है। यह मूत्राशय की सूजन को कम करने में और उचित पेशाब करने में मदद करता है। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर गर्म दूध में गुड़ डालकर लेने की सलाह देते हैं। यह मूत्र प्रवाह में बहुत अधिक फायदा करता है। शारीरिक कमजोरी के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों, गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक कमजोरी में गुड़ के साथ दूध का सेवन करने से बहुत अधिक फायदा होता है। गुड़ के साथ दूध का उपयोग दुर्बल शरीर को मजबूत बनाता है। यह शारीरिक कमजोरी को दूर करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। अगर आपको दूध के साथ गुड़ पसंद नहीं है तो 1 कप पानी में 5 ग्राम गुड़, 10 ml नींबू का रस, 1 ग्राम काला नमक डालकर सेवन करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। माइग्रेन और सिर दर्द में फ़ायदेमंद। गाय के घी के साथ गुड़ का सेवन माइग्रेन और सिर दर्द में मदद करता है। यह उपाय आम दौर में पंजाब और उत्तर भारत में प्रयोग किया जाता है। आप सोने से पहले और सूर्य उदय से पहले सुबह में खाली पेट 5 ml गाय के घी के साथ 10 ग्राम गुड़ 1 दिन में 2 बार लें। इसको लेने से आपको माइग्रेन और सिर दर्द में काफ़ी फायदा मिलेगा। पेट संबंधित समस्याओं में फ़ायदेमंद। दोस्तों, गुड़ के फायदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि इससे पेट संबंधित सभी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप गैस या एसिडिटी से परेशान हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाएं। ऐसा करने से गैस या एसिडिटी की समस्याएं नहीं होती हैं। गुड़, सेंधा नमक, काला नमक मिलाकर चाटने से खट्टी डकारे भी बंद हो जाती है। दिमाग के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों, गुड़ का हलवा खाने से दिमाग तेज़ होता है और शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकल आते हैं। गुड़ का हलवा सर्दियों में शरीर के तापमान को नियमित रखता है और इसे खाने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो गुड़ का नियमित रूप से सेवन कीजिए। जुकाम और पुरानी सर्दी में पुरानी खांसी में फ़ायदेमंद। दोस्तों, गुड़ साधारण सर्दी और खांसी में बहुत ही लाभदायक होता है। आप गुड़ को अदरक और काली मिर्च मिलाकर खा सकते हैं। यह सर्दी और खांसी में दवा के रूप में काम करता है। 3 ग्राम गुड़ में 250 मिलीग्राम काली मिर्च, 500 मिलीग्राम सूखा अदरक का पाउडर, 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से जुकाम और पुरानी खांसी में फ़ायदेमंद। दोस्तों, गुड़ साधारण सर्दी और खांसी में बहुत ही लाभदायक होता है।
आप गुड़ को अदरक और काली मिर्च मिलाकर खा सकते हैं। यह सर्दी और खांसी में दवा के रूप में काम करता है। 3 ग्राम गुड़ में 250 मिलीग्राम काली मिर्च, 500 मिलीग्राम सूखा अदरक पाउडर, 1 चम्मच शहद मिलाकर खाना खाने के बाद 1 दिन में 3 बार इसका सेवन करें। यह पहली खुराक में ही अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। गुड़ पुराने से पुराने खांसी में भी लाभदायक है। गुड़ के उपयोग से गला चिकना और मुलायम बनता है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ फेफड़ों में गर्मी पैदा करता है और श्वसन तंत्र तक फैल जाता है। गुड़ खांसी, दमा और सांस लेने जैसी परेशानियों में भी मदद करता है। अस्थमा में फ़ायदेमंद। दोस्तों, अस्थमा से बचने के लिए भी गुड़ का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। खून की कमी को भी दूर करता है। दोस्तों, गुड़ आयरन का स्रोत होता है। अगर किसी को खून की कमी है तो आप नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें। इससे आपको खून की कमी में फ़ायदा होगा और आपकी लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा भी बढ़ जाएगी। हाई बीपी में फ़ायदेमंद। दोस्तों, गुड़ एक ऐसी लाभकारी औषधि है जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखती है। साथ ही जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है, उन्हें गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आँखों के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों, अगर आपकी आँखों में कमज़ोरी है तो आपको रोज़ाना गुड़ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह आँखों की कमज़ोरी के लिए एक दवा के रूप में काम करता है और गुड़ का सेवन करने से आँखों की रोशनी की तेज़ी बढ़ती है। दोस्तों, जहाँ हर चीज़ का फ़ायदा होता है, अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए जान लेते हैं गुड़ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या क्या नुकसान करता है। दोस्तों, गुड़ गर्म होता है। गर्मी के मौसम में गुड़ ज़्यादा खाने लेने से नाक में रक्त निकलने की संभावना रहती है। शुगर के मरीजों को गुड़ का अधिक सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि शुगर के मरीज़ गुड़ का कम से कम मात्रा में सेवन करें। गुड़ का अधिक मात्रा में और ज़्यादा समय तक लगातार सेवन करने से वज़न भी बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर में सूजन है तो गुड़ का सेवन न करें, क्योंकि आपके शरीर की सूजन को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।